आचार्य परम इष्ट गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मैं आज आपको अपने वैराग्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे वैराग्य हुआ इस जीवन में, कैसे असंयम से संयम की ओर यह जीव ने कदम बढ़ाए। सबसे पहले मेरा जन्म महाराजपुर नगर बीनावारा के पास, अतिशय क्षेत्र बीनावारा के पास, जो महाराजपुर नगर उसमें हुआ। माँ सभी परिवार धार्मिक था। हमारी मौसी जो गृहस्थ जीवन की मौसी थी, उनकी सर्वप्रथम दीक्षा आचार्य श्री के द्वारा प्रथम बैच में हुई, जो नैनामती माता जी हैं। उनकी दीक्षा जब मैं बचपन में छोटा सा था तो अपनी पीछे लेकर चलाती थी, बोलती थी आप महाराज बने चाहे ना बने, हमें पीछे लेके चल के दिखा दो कैसे लगते हो, क्योंकि आप भगवान जैसे दिखते हैं। तो वो बचपन में संस्कार पड़े और फिर वहाँ पर महाराजपुर में साधुओं का आना जाना लगा रहा। धीरे धीरे छोटे छोटे नियम लिए, एक आड़िका माता को दीक्षा दे, वो आहार दे रहे थे तो उन्हें आलू का त्याग कराया, एक ग्रास लिया, एक हफ्ते का त्याग किया पहले, क्योंकि आलू बहुत पसंद थे। लेकिन धीरे धीरे और आहार देने की चाव हुआ तो धीरे धीरे माता जी ने आजीवन त्याग करवा दिया और आहार लेते रहे। ऐसे एक बार मैंने पूजन का नियम एक माता जी ने दिया 8 दिन का, तो 8 दिन का नियम तो दिया और बोल दिया यदि बाहर जाओ तो भाव पूजा कर लेना। तो क्या होता है, इतने में माता जी का विहार हो जाता है। अब विहार होता है, वो बीना जी पहुँच जाती हैं, तो वहाँ पर हम 3-4 दिन हुए थे। उसके बाद पूजन करना था, आहार तो दे लिए, उसके बाद पूजन करना, तो पूजन पूरे उसमें भाव पूजन करना था, तो पूरे जिनवाड़ी में देखते रहे भाव पूजन कहीं नहीं मिली। तो हमने अपनी दीदी से पूछा कि माता दीदी इसमें भाव पूजन तो कहीं है नहीं, तो दीदी बोली हाँ, पहले तो वो हंसी फिर बोली माता जी से पूछ लो। तो माता जी बहुत हंसी फिर बोली भैया जी भाव पूजन ऐसी नहीं होती, बिना द्रव्य की वही पूजन करनी पड़ती है। इस प्रकार उस दिन से पूजन करने हम लिया तो वो भी कंटिन्यू चलता रहा। धीरे धीरे फिर आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ बीनावारा 2005 में, तो आचार्य श्री लास्ट दिन दीपावली के दिन बोले यहाँ पर तो हमारी दुकान चली ही नहीं। तो सभी महाराज जी ने इशारा किया मोनू भैया खड़े हो जाओ व्रत के लिए निबंध करो। तो स्टेज पे हम पहुँच गए और आचार्य श्री से व्रत का निवेदन किया। तो आचार्य श्री बोले, धीरे से बोलते अभी नहीं बाद में, और सबको बताते कि भैया जी आए हैं व्रत लेना चाहते हैं, एम ए किया है और व्रत की भावना है। वो आचार्य श्री धीरे से हमसे बोलते अभी नहीं बाद में, नहीं आचार्य श्री अभी व्रत चाहिए। तो दीपावली के दिन हमारा आजीवन पूर्ण व्रत हो गया। उसके बाद कभी दीक्षा का निमित्त नहीं लग पाया, लेकिन 2013 में आचार्य श्री ने रामटेक में बुलवाया, लेकिन कुछ कारण से हम लेट हो गए। तो आचार्य श्री ने वहाँ पर लेट हुए, अभी तक हमें तक ऐसा नहीं लगा था कि हमारे जीवन में जो हमने चाहा ना मिला हो, लेकिन जब हमारी दीक्षा नहीं हो पाई, हम लेट हो गए, उस दिन लगा कि दीक्षा कितनी दुर्लभ होती है। तो उसके बाद आचार्य श्री से हमने और कुछ संयम उपवास वगैरह लिए और 2 साल बाद आचार्य श्री का आगमन फिर से बीनावारा हुआ, जहाँ पर हमारा व्रत हुआ था दीपावली के दिन, और गुरु पूर्णिमा के दिन चातुर्मास की स्थापना के दिन हमारी दीक्षा हो गई। ये तो हुआ। अब हमारे लिए एक बार क्या हुआ, घर पर जब हम थे तो हमेशा एक टेबलेट खाते थे हम, एसिडिटी हमें बहुत बढ़ती थी, जलन होती थी। तो दीक्षा तो हमारी हो गई, फिर 4-5 दिन बाद हम आचार्य श्री के पास पहुँचे। आचार्य श्री से बोले आचार्य श्री हमें गैस बनती है, बहुत जलन होती है, आचार्य श्री आशीर्वाद दो। तो आचार्य श्री बोले आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम लोग पहले बताते तो दीक्षा कैसे होती, अब तो आप आशीर्वाद दो और कुछ बताओ आप ये। तो आचार्य श्री बोले आशीर्वाद तो है ही, देखो ऐसा ऐसा कर लेना, दूध में पानी मिला के आधा आधा करके वो पी लेना, और भी तली चीज़ें नहीं लेना, ऐसे 3-4 चीज़ें बताई, इससे हमारे लिए हमेशा के लिए आराम लग गया, उसके बाद कभी भी जलन नहीं हुई। आचार्य श्री का आशीर्वाद था और हम पूर्ण स्वस्थ हैं। एक बार एक चींटी का उदाहरण आता है कि हमें सच्चे गुरु कैसे आने मिलते हैं, तो उनका क्या उपयोग करना चाहिए। चींटी अपन लोग चींटी देखते हैं, दिन भर वो कमरे में चलती रहती है और एक भी कमरे को पार नहीं कर पाती, वहीं वहीं घूमती रहती है। उसी प्रकार हम संसार में घूम रहे थे, लेकिन वही चींटी इसको यदि दिल्ली जाना है तो वह किसी व्यक्ति का सहारा लेकर उसके कपड़े पर चढ़ जाए, वह चींटी वह व्यक्ति अगर
दिल्ली की ट्रेन में और बैठ जाए तो कितने घंटे लगेंगे उसको पहुंचने के लिए, जल्दी पहुंच जाती है। उसी प्रकार हमें सच्चे गुरु मिल गए हैं तो उनकी चरण पकड़ के, उनका पल्ला पकड़ के हम भी भवसागर से पार हो सकते हैं। सन 2015 आचार्य श्री जी यहाँ खाते गांव के बाद गौरझामर का पंचकल्याण करके बीना बारा पहुँचे। आचार्य श्री वहाँ अप्रैल में करीबन 2 महीने रुके, 20 दिन रुके। फिर उसके बाद तलवारा घाट मड़िया जी में, तलवारा घाट जबलपुर में 2 महीने रुकने के बाद आचार्य श्री का फिर से आगमन बीना बारा के लिए हुआ। तो 1 महीने पहले आचार्य श्री आ गए, सभी अनुमान लगाते रहे कि आचार्य श्री का चातुर्मास कहाँ होगा। सागर वाले बहुत प्रयास करते रहे और कुंडलपुर वाले भी बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन आचार्य श्री का चातुर्मास बीना बारा में अनुमति मिल गई। तो आचार्य श्री जब चतुर्दशी का आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन आचार्य श्री सभी संघ का उपवास था, तो हमें मेरे भी भाव हो गए सभी महाराजों का उपवास है तो मैं भी उपवास करूँगा, तो हमने आचार्य श्री से उपवास ले लिया। फिर आचार्य श्री सुबह जब भक्ति के लिए आते हैं तो हम लोग, गुरु पूर्णिमा थी तो हम सभी तीनों भाई और सभी भाई मिलकर जितने ब्रह्मचारी थे सभी आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करना चाहते थे, तो हम लोग खड़े हुए इतने में और भी श्रावक खड़े हो गए। तो आचार्य श्री बोले नहीं नहीं पहले ब्रह्मचारियों से पूछ लो, तो सभी पीछे हो गए। हम ब्रह्मचारी भाइयों ने आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन किया, उसके बाद गंदोदक लिया और हम स्वयं पूरा गंदोदक लेके चौके चौके में सभी को देने गए। इतनी खुशी थी उस दिन। फिर अचानक आचार्य श्री पहले तो वहाँ जंगल चले जाते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं तो हम लोग एक स्वाध्याय कक्ष में बैठे थे सभी ब्रह्मचारी भाई, तो आचार्य श्री ने मुनि श्री संधान सागर जोशी रोहित भैया थे उनको बुलाया, तो आचार्य श्री से उनकी चर्चा हुई। जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी, तो हम लोगों ने पूछा भैया जी आप इतने खुश क्यों हो, तो भैया जी बोले कि आज आप लोग की भावना पूर्ण होने वाली है। तो हम लोग समझ गए, हम लोग जितने भी भाई थे सभी श्रीफल उठाया और आचार्य श्री के लिए चरणों में समर्पित करने के लिए चले गए और आचार्य श्री से भावना अपनी रखा है कि हम लोग को भी जैनेश्वरी दीक्षा लेना है, और इतना बोलकर हम लोग अपने कमरे पे आ गए। फिर आचार्य श्री ने हम दोनों मामा और भानेज अन्य संस्कार सागर जी और हमको बुलाया, तो हम लोग से आचार्य श्री ने पूछा साथ में संभव सागर जी थे कि आपने कभी वेला किया है। संभव सानी बता दिया था कि भैया जी का कल उपवास था अन्य चतुर्दशी का और आज पूर्णिमा है तो दीक्षा होगी तो फिर उपवास हो जाएगा, तो आचार्य श्री को संभव सानी बताया इनका कल उपवास था। तो आचार्य श्री ने इतना ही पूछा कभी वेला किया है, उनके जी आचार्य श्री तो कायस्वर कर लूँ, तो हमने कायस्वर किया। फिर महाराज जी ने बुलाया और कि पूजन पाठ अच्छे से विधान कर लो, उस विधान किया, आचार्य श्री की पूजन की, पाद प्रक्षालन किया, प्रगहन किया, आचार्य श्री को आहार दिया और फिर केस लॉन्च वगैरह हुए, बनौरी निकली, इसी में पूरा दिन निकल गया। और दीक्षा गुरु पूर्णिमा के दिन हम तीन भाई रोहित भैया, मुनि श्री संधान सागर जी और रंजीत भैया, मुनि श्री संस्कार सागर जी और मैं, इस प्रकार हम लोग की गुरु पूर्णिमा के दिन दीक्षा हो गई। अब दिन तो निकल गया, अब बेला थी तो रात भी ऐसे करवट बदलते बदलते आचार्य श्री के कक्ष में हम तीनों भाई सोए। फिर उसके बाद सुबह उठे, आचार्य श्री जो पढ़ते थे वो सुना और उसके बाद सुबह मूलाचार्य की क्लास प्रारंभ होना थी, तो आचार्य श्री ने क्लास ली और बोले अब नए महाराजों का बेला की पारणा है, इनको निकाल दो। तो हम लोग बोले आचार्य श्री आपके बाद ही निकलेंगे, तो आचार्य श्री बोले तो हमको भी जल्दी निकलना पड़ेगा। तो इस प्रकार जल्दी आचार्य श्री ने क्लास छोड़ी और हम लोग सभी आहार के लिए निकले। अब आहार के निकलते हैं तो हमें पहले महाराज जी लोगों ने बता दिया था कहाँ जाना है, तो संधान सागर जी तो चले गए, उसके बाद संस्कार सागर जी यहाँ वहाँ घूमते रहे, हमारा नंबर आया तो हम भी चले गए। अब संस्कार सागर जी क्यों घूम रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ आचार्य श्री का पड़गान हो गया था। इतने में महाराज जी बोले जो गृहस्थ जीवन के भैया थे, सोनू जाओ जल्दी पड़गान कर लो। इस प्रकार दोनों महाराज जी का एक ही चौकी में हम लोग का पारणा हो गई। इसके बाद पारणा हो गई, आचार्य श्री ने पूछा पारणा सबकी ठीक हुई, आचार्य श्री को बताया जी आचार्य श्री आपकी कृपा से ठीक हुई। 2012 में आचार्य श्री का चातुर्मास चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में हो रहा था, तो आचार्य श्री को आहार देने का सौभाग्य मिला, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी घोषणाएँ हो रही थी आहार के पश्चात।
तो वहाँ पर हमने भी 1100 रुपये बोले। और तो चंद्रकांत जी जो संचालन करते थे मंच संचालन, तो वो बोले मौनी महाराज पर 1100 रुपये आए श्रीफल चढ़ाएँ। तो आचार्य श्री ने उनको बुलाया और बोले ब्रह्मचारी जी हैं, अच्छे से बुलाओ। और जी इस प्रकार आचार्य श्री व्रतियों का कितना बहुमान रखते थे, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। आचार्य श्री जी हम तीनों भाइयों पर उनका इतना बड़ा उपकार है कि हम लोग कभी इस जन्म में क्या जन्म जन्म तक नहीं चुका सकते जब तक मोक्ष ना हो जाए। एक बार की बात है, एक धोबी रहता है, उसके यहाँ सभी कपड़े डालने के लिए जाते हैं। तो कपड़े एक व्यक्ति अपने कपड़े लेने के लिए गया तो वह धोबी से बोलता है, भैया ये कपड़े मेरे नहीं हैं। वो कहते भाई साहब वो सामने जो सज्जन बैठे हैं पेड़ के नीचे, उनसे पूछ लो, गलती हो गई होगी हमसे। तो वो वहाँ जाता है, उन भाई साहब से पूछता है, वो कहते हैं कि कपड़े हमारे हैं। तो वह अपनी देखता है, अपनी पहचान विशेष से जान लेता है थोड़ी देर में कि हाँ ये हमारे कपड़े नहीं हैं, और वह उतार के तुरंत ही दे देता है। उसी प्रकार गुरु महाराज हमें अपनी आत्मा का आत्मा की पहचान कराते हैं और कहते हैं कि पर वस्तु हमारी नहीं है। इस प्रकार हम अपने आत्म तत्व को पहचान पाते हैं और संसार के भौतिक जाल से निकाल कर आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए पंचेंद्रिय विषयों से छोड़कर आत्म सुख जो पारलौकिक सुख है, जो शाश्वत सुख है, उसको पाने की हमारे अंदर इच्छा जगाते हैं और उसी का आचरण कराते हैं। इस प्रकार गुरु का हम पर अनंत उपकार है तीनों भाइयों पर, मुनि श्री संधान सागर जी, मुनि संस्कार सागर जी और मैं। गुरु पूर्णिमा के दिन निहाल हुए ऐसे गुरु को पाकर, जो कि पूर्णिमा हैं, पूर्णिमा के दिन दीक्षा हुई थी तो वे सारी जो लौकिक माँ होती हैं वो तो सिर्फ एक जन्म को संभालती हैं और संस्कार देती हैं, लेकिन जो गुरु होते हैं वो तो हमें भव भव के बंधन से छुड़ाने के लिए, भव से पार लगाने के लिए शिक्षा देते हैं, इसलिए वो हमारी पूर्ण माँ हैं। बोलो आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव से विद्यासागर जी महाराज की जय।